कच्चा आम हो या पका आम, दोनों ही तरह से इसे काफी पसंद किया जाता है। लोग इसे फल के तौर पर खाना तो पसंद करते ही हैं, साथ ही इसे अचार, चटनी, शेक और आइसक्रीम आदि तमाम चीजें भी बनाते हैं। कुल मिलाकर आम बेहद लोकप्रिय फल है। रसदार और बेहद स्वादिष्ट आम की लोकप्रियता को देखते हुए इसे फलों का राजा कहा जाता है। और अब आप ये सोचेंगे कि आज अचानक आम की बात ही क्यों? तो हर साल 22 जुलाई को यानी कि आज ही के दिन नेशनल मैंगो डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। आम को भारत का राष्ट्रीय फल कहा जाता है। नेशनल मैंगो डे मनाने का उद्देश्य आम की संस्कृति, स्वाद और पोषण के बारे में लोगों को शिक्षित करना है। इसके लिए हर साल 2005 से नेशनल मैंगो डे गठित किया गया, जो अमेरिका में आम की खपत को बढ़ाने के लिए काम करता है। भारत में आम की खेती करीब 5000 सालों से हो रही है। माना जाता है कि इस स्वादिष्ट फल की उत्पत्ति सबसे पहले भारत बर्मा, जो वर्तमान में म्यांमार है, और अंडमान द्वीप समूह में हुई थी। भारत में सबसे पहले आम नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में उगाया गया था। शुरुआती समय में आम को दक्षिण भारत में मंगा और आमकाय कहा जाता था, और धीरे धीरे मंगा शब्द ही मैंगो में तब्दील हो गया। आज आम दुनिया भर में पसंद किया जाने वाला फल बन चुका है, और लोग इसे तोहफे के तौर पर एक दूसरे को भी देते हैं, और आम भारत का राष्ट्रीय फल भी कहलाता है। आज दुनिया भर में आम की करीब 1500 से ज्यादा किस्में मौजूद हैं। भारत में 2.5 करोड़ टन आम का उत्पादन किया जाता है। केरल के कुन्नूर जिले के कनपुरम को स्वदेशी मैंगो हेरिटेज एरिया घोषित किया गया है, जहां आम की 200 वैरायटी उगाई जाती है। भारत के अलावा आम पाकिस्तान और फिलीपींस का भी राष्ट्रीय फल। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।